Hello students, in this lecture we will discuss Fourier series for discontinuous function. So find Fourier series of the function fx is equals to minus k when limit goes to minus pi to 0 and k when limit goes to 0 to pi. It means माइनस पाई से जीरो तक ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, जीरो से पाई के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट जीरो पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो इस तरह से कि अगर फंक्शंस हैं, तो फिर हम किस तरह से फोरियर सीरीज फाइंड करते हैं। सो लेट फोरियर सीरीज का जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू a0 by 2 plus summation n goes to 1 to infinite an cos n pi x upon l plus summation n goes to 1 to infinite bn sin n pi x upon l. ठीक, here we find a naught, an and bn. Okay, so general formula of a naught is equals to 1 upon l integration c to c plus 2l fx dx, because limit पूरी लिमिट कहां से कहां तक है, माइनस पाई से पाई, तो लोअर लिमिट इज माइनस पाई, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, माइनस पाई, एंड जब इस सी की वैल्यू को यहां रखेंगे तो ये माइनस पाई प्लस टू एल इज इक्वल्स टू पाई हो जाएगा, ये माइनस पाई इधर जाएगा तो टू एल इज इक्वल्स टू टू पाई हो गया, तो यहां से एल की वैल्यू कितनी आ गई, पाई। तो अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, 1 अपॉन एल, एल इज पाई, लिमिट माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। नाउ अब हमें इस फंक्शन को ब्रेक करना है, कैसे, माइनस पाई टू जीरो तक फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस के, और जीरो से पाई के लिए फंक्शन की वैल्यू के, तो अब यहां क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू जीरो, उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, माइनस के डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू पाई, इसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, के डीएक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहां से वन अपॉन पाई, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के कांस्टेंट है, और यहां से ये डीएक्स का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो एक्स आ जाएगा, लिमिट माइनस पाई टू जीरो प्लस के कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स आएगा, लिमिट जीरो टू टू पाई। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो ये कितना आ गया, वन अपॉन पाई, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के, और ये आ जाएगा जीरो, और माइनस माइनस प्लस पाई, फिर प्लस के, और यहां पर क्या आ जाएगा, अपर लिमिट पाई माइनस जीरो। ठीक, इसको जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, वन अपॉन पाई इंटीग्रेशन, अब यहां से क्या मिल गया, माइनस के कॉमन ले सकता हूं, जब मैंने माइनस के कॉमन ले लिया तो यहां से क्या मिल गया, पाई, और यहां से मिल गया माइनस पाई, तो ए नॉट इज इक्वल्स टू जीरो, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है,
Now we find An. So general formula of An is equals to 1 upon L integration C to C plus 2L fx cos n pi x upon L dx. Again we put L equals to minus L equals to pi and C equals to minus pi. So it will come 1 upon pi integration minus pi to pi fx. L is pi, pi se pi cancel ho jayega. Ye kya aa gaya? Cos nx dx. Ab limit ko break kar dete hain. Theek, to yahan se kya aa gaya? 1 upon pi integration, pehli limit kya thi? Minus pi to 0. और उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या थी? माइनस के. तो ये आ गया माइनस के कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई के, और फंक्शन की वैल्यू के हो जाएगी फॉर 0 टू पाई. और ये क्या आ गया? कॉस एन एक्स डी एक्स. अब हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं. तो ये आ गया 1 अपॉन पाई माइनस के. इसका जब इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो कॉस एनएक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन एनएक्स अपॉन एन. इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो माइनस पाई टू 0 प्लस के. अगेन कॉस एन का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा साइन एन एक्स अपॉन एन लिमिट 0 टू पाई. माइनस के कॉमन ले लेते हैं, तो जब माइनस के कॉमन ले लेंगे तो ये क्या माइनस के अपॉन पाई. तो यहां ये माइनस के बाहर आ गया और यहां माइनस का साइन आ जाएगा. ठीक, तो जब अपर लिमिट रखेंगे तो साइन 0 इज 0, और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो साइन, इसको सॉल्व कर लेते हैं, साइन 0 माइनस साइन माइनस एन पाई अपॉन एन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से, माइनस अपर लिमिट साइन एन पाई माइनस साइन एन पाई अपॉन एन माइनस साइन 0 अपॉन एन. इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बिकॉज साइन एन पाई इज इक्वल्स टू 0. कई सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि सर साइन एन पाई इज इक्वल्स टू 0 क्यों आता है, तो मैं आपको बता देता हूं. जो साइन का ग्राफ है वो किस तरह से होता है? लाइक दिस, इस तरह से ग्राफ जाता है. ठीक है, तो ये 0 पर वैल्यू है, ये वैल्यू किस पे है? इसकी पाई बाई 2 पर फंक्शन की वैल्यू है. ये कहां से कहां तक जाता है? -1 टू -1 टू 1. अगेन ये पाई पर वैल्यू है, फिर ये वैल्यू किस पे हो जाएगी? 3 पाई बाई 2 पर. और ये वैल्यू किस पे आ जाएगी? 2 पाई पर. तो जब हम इसका ग्राफ देखते हैं तो देखो 0, फिर पाई पर फंक्शन की वैल्यू 0, फिर 2 पाई पर फंक्शन की वैल्यू 0. इसका मतलब साइन एन पाई, एन की वैल्यू आप क्या रख सकते हो? इंटीजर्स लाइक 0 1 2 3 4, इन सब पर फंक्शन की वैल्यू 0 मिल रही है, इसलिए इन जनरल साइन एन पाई की वैल्यू 0 आती है. ठीक, तो अब शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और यहां से साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये भी साइन एन पाई हो जाएगा. तो साइन 0 इज 0, साइन एन पाई इज 0, साइन एन पाई इज 0, साइन 0 इज 0. तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल गया? 0. इट मींस ए एन
is also equals to 0. Now we find Bn. So general formula of Bn is equals to 1 upon L integration C to C plus 2L fx sin n pi x upon L dx. Now we put value of L and C. L is equals to pi and C is equals to minus pi. It will come 1 upon pi integration minus pi to pi fx sin nx dx. 1 upon pi. इसको ब्रेक कर देंगे फर्दर उसी तरह से माइनस पाई टू जीरो पर फंक्शन की वैल्यू क्या है माइनस के तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस पाई टू जीरो इज माइनस के साइन एन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू पाई के साइन एन एक्स डी एक्स. इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां से हम माइनस के बाहर ले लेते हैं तो माइनस के अपॉन पाई तो यहां से आपके पास क्या आ गया माइनस पाई टू जीरो साइन एन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू पाई साइन एन एक्स डी एक्स. इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो साइन एन पाई जब साइन एन पाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन लिमिट माइनस पाई टू जीरो माइनस फिर जब साइन एन पाई सॉरी जब साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन लिमिट जीरो टू पाई. ठीक तो माइनस के अपॉन पाई अपर लिमिट तो ये आ गया माइनस अपर लिमिट तो कॉस जीरो इज वन अपॉन एन माइनस कॉस माइनस एन पाई अपॉन एन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस एन पाई अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन. ठीक नाउ माइनस के अपॉन पाई इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा. ये फॉर्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे है ना तो ये याद कर लो और सबसे बेहतर है कि आप जिस कॉपी में अपने नोट्स बना रहे हो उसका जो हेडर पार्ट है उसमें आप जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उस पेज के आप उसके ऊपर उसको नोट कर लिया करो जिससे कि जब भी आप रिवाइज करोगे तो वो फॉर्मूले आपके दिमाग में रहेंगे कि हाँ ये फॉर्मूला यहां पर यूज करना है. ठीक है तो अब माइनस वन अपॉन एन माइनस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस वन टू द पावर एन अपॉन एन क्योंकि कॉस एन पाई इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एन साइन एन पाई इज इक्वल्स टू जीरो कॉस एन पाई इज इक्वल्स टू माइनस वन टू द पावर एन. कैसे इसको थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं. अगेन कॉस का ग्राफ किस तरह से बनता है इस तरह से ये वन टू माइनस वन. अब देखो कॉस जीरो पर फंक्शन की वैल्यू वन इसके बाद पाई बाई टू पर फंक्शन की वैल्यू जीरो
जब पाई पर फंक्शन की वैल्यू माइनस वन, इसके बाद 3π/2 पर फंक्शन की वैल्यू जीरो, और अगेन जब 2π पर फंक्शन की वैल्यू अगेन वन। तो क्या हो रहा है, जब इवन नंबर्स पर तो फंक्शन की वैल्यू वन आ रही है, और जब हम ऑड नंबर ले रहे हैं यहां पर लाइक पाई, 3π पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन। तो ऑड पर फंक्शन की वैल्यू माइनस आ रही है, इसलिए हमने इसको जनरल फॉर्म में लिख दिया, एन इज इंटीजर। तो अगर यहां पर एन की वैल्यू जीरो हो गई तो कॉस जीरो वन, ठीक। अगर एन की वैल्यू वन हो गई तो कॉस पाई इज माइनस वन। आप यहां पर एन की वैल्यू रख लो, माइनस वन की पावर वन इज माइनस वन, क्लियर। इसके बाद जब 2π एन की वैल्यू अगर हम यहां पर 2 पुट कर देंगे तो कॉस 2π माइनस वन की पावर 2 इज वन। तो इस तरह से ये हमने जर्नल फॉर्मूला लिख लिया है, ठीक। एक और स्टूडेंट थे, उन्होंने पूछा था कि सर कॉस 2nπ की वैल्यू 1 कैसे होती है। तो बहुत सिंपल है, आप बिल्कुल उसी तरह से कर सकते हो ना, माइनस वन टू दी पावर 2n। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस वन टू दी पावर n का होल स्क्वायर। या यहीं पर देख लो, 2n हमेशा इवन नंबर आएगा, आप n की वैल्यू कुछ भी रखो, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो इवन हो जाएगा ना। n की वैल्यू 3 रखी, 2 का मल्टीप्लाई किया 6, तो इट विल ऑलवेज 1, ठीक है ना। तो उन्हीं चीजों का यूज करना है, और ये जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपको एक बार समझने पड़ेंगे अगर आप फोरियर सीरीज समझना चाहते हैं, है ना, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन में यूज होती हैं चीजें। ओके, तो अब आगे फिर cos n pi is minus 1 to the power n upon n minus 1 upon n। फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ गया, माइनस के अपॉन पाई। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये कितना आ गया, माइनस वन अपॉन एन प्लस माइनस वन टू दी पावर एन अपॉन एन प्लस माइनस वन टू दी पावर एन अपॉन एन एंड माइनस वन अपॉन एन। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आ गया माइनस के अपॉन पाई, ये 2 टाइम्स हो जाएगा और ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 टाइम्स माइनस 1 टू द पावर n अपॉन n माइनस 2 अपॉन n। फर्दर इसको अगर मैं सॉल्व करके लिखना चाहूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2k अपॉन n, और ये आ गया माइनस 1 टू दी पावर n अपॉन n माइनस 1 अपॉन n, ठीक। तो ये हमारे bn की वैल्यूज आ गई। लेकिन अब यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ना, जो आपको पिछले क्वेश्चंस में नहीं देखने को मिली होगी लेकिन इस क्वेश्चन में आपको मिलेगी। क्या यहां पर n क्या है, आपका इंटीजर। अगर आप यहां पर n की वैल्यू जब आप ऑड रखोगे तब आपको क्या मिलेगा, जब आप n की वैल्यू ऑड रखोगे तो ये माइनस वन अपॉन n होगा, इसका मतलब ये ऐड हो जाएगा, माइनस वन अपॉन n एंड माइनस वन अपॉन n। लेकिन जब आप n की वैल्यू इवन होगी उस केस में क्या होगा, ये वन अपॉन n माइनस वन अपॉन n। तो इवन के केस में अगर n की वैल्यू इवन है तो bn आपका जीरो आ रहा है, बट अगर n की वैल्यूज ऑड है उस केस में आपको कुछ वैल्यू मिलेगी। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या इवन ऑड जब n की वैल्यूज है उसमें वैल्यूज क्या आ रही हैं, है ना, a0 an या bn के केस में। तो यहां से bn हमारा क्या आ गया, bn इज इक्वल्स टू 0 व्हेन n इज इवन एंड क्लियर। अगर हमने n की वैल्यू इवन रखी तो ये 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n 0, तो ये पूरा 0 हो गया। और अगर हम यहां पर n की वैल्यू ऑड रखेंगे तो ये माइनस 1 अपॉन n मिलेगा, ये भी माइनस 1 अपॉन n मिलेगा, इसको ऐड करेंगे तो माइनस 2 अपॉन n हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4k अपॉन n पाई। एक गड़बड़ कर दिया, ये पाई है यहां पर, है ना, ये है ना 2 के अपॉन पाई, तो ये पाई। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4k अपॉन
n pi when n is odd. तो ये आपको bn की वैल्यू मिल गई. ठीक, अब सब्सिट्यूट दीज वैल्यूज ऑफ a0, an एंड bn इन इक्वेशन वन. तो जो आपने जो इक्वेशन वन कंसीडर की थी इसमें आप a0, an और bn की वैल्यू पुट कर देंगे. सो पुट a0, an एंड bn इन इक्वेशन वन एंड गेट रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज. ठीक है, तो अब इस केस में देखो क्या आ जाएगा. ए जीरो जीरो है, ये पूरा पार्ट जीरो हो गया. ए एन की वैल्यू जीरो थी, ये पूरा पार्ट जीरो हो गया. तो आपके पास यही पार्ट तो बचा. और वहां पर एल की वैल्यू पाई है, तो कितना आ जाएगा साइन एन पाई. तो अब एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, समेशन एन गोज टू वन टू इनफाइनाइट बी एन साइन एन एक्स. ठीक, अब एन की वैल्यू यहां पर क्या है, ऑड. इवन वैल्यू में तो बी एन भी जीरो है, तो ए एन जीरो है, बी एन जीरो है और ए जीरो भी जीरो है. व्हेन एन इज इवन, तो एन की वैल्यू सिर्फ ऑड लेंगे तभी तो हमें बी एन की वैल्यू मिलेगी. तो यहां पर हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो n इक्वल्स टू वन पुट कर सकते हैं. तो यहां से क्या मिल गया, बी वन साइन एक्स प्लस n की वैल्यू जब टू पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, n की वैल्यू जब थ्री पुट करेंगे तो बी थ्री साइन थ्री एक्स. सिमिलरली ऑड वैल्यूज लेंगे, बी फाइव साइन फाइव एक्स एंड सो ऑन. ठीक, B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इज 1, तो ये आ गया 4k अपॉन पाई साइन x. n की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो 4k अपॉन 3 पाई साइन 3x. इसके बाद B5 पर 4k अपॉन 5 पाई साइन 5x. ठीक, इसको कॉमन ले लेते हैं, जो भी चीजें कॉमन मिल रही हैं. तो 4k अपॉन पाई कॉमन ले लिया, तो ये आ गया आपका साइन एक्स प्लस 1 अपॉन 3 साइन 3x, 1 अपॉन 5 साइन 5x एंड सो ऑन. एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ एक्स. ओके, तो आई थिंक आपको समझ आया होगा क्वेश्चन. कुछ चीजें नई थी और कुछ चीजें जो हमने a0, an, bn का जो बेसिक फॉर्मूला था वो वही यूज किया है. तो प्रैक्टिस करेंगे हम आगे आप कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं फोरियर सीरीज में. ठीक, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है. जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस करो सेम तरह के क्वेश्चन को जो मैंने अभी डिस्कस किया इस वीडियो में. ओके, तो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं. फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन जीरो वन. माइनस वन पर लिमिट क्या है, माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन माइनस पाई बाई टू. जीरो पर लिमिट है माइनस पाई बाई टू लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई टू. और वन पर, वन के लिए जो लिमिट है प्लस वन के लिए वो है पाई बाई टू लेस देन एक्स लेस देन पाई. इसके लिए आपको फोरियर सीरीज फाइंड करनी है. और आपका जो भी सीरीज आए, या ए जीरो ए एन एंड बी एन की जो वैल्यू आए वो आप कमेंट कर सकते हैं.